वड़ा हमारा देखिए कितना क्रिस्पी हो गया है। साबूदाना वड़ा और टिक्की रेडी है। ये हमारी व्रत की थाली। आज हम लोग साबूदाना की टिक्की और वड़ा दोनों बनाएंगे। उसके लिए हम लोग को आलू चाहिए। मैं 4 आलू ली हूँ मीडियम साइज के। इसको ग्रेट कर लेंगे, ठीक है। ग्रेट करने से क्या होगा, अच्छे से फ्राई होगा फ्राई करने में, और टिक्की भी बढ़िया बनेगी। इस तरीके से हम लोग ग्रेट कर लेंगे सारे आलू। अब इसमें हम लोग साबूदाना डालेंगे। ये है, हम लोग 4-5 घंटा सोक करके रखे हैं। देखिए एकदम नरम हो गया है ये। इस टाइप से हमारा होना चाहिए, ठीक है। इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। इसमें हम लोग धनिया पत्ता डालेंगे, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट है वो डालेंगे। आप जितना स्पाइसी खाते हो उस हिसाब से डाल लेना। सॉल्ट देंगे, थोड़ा सा इसमें हम लोग डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। 2 चम्मच डाल रही हूँ। और ये पीनट मैंने हल्का सा ग्राइंड कर लिया है, ये इसमें डाल दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथ से मिक्स करते हैं अच्छे से। हाफ लेमन जूस डालेंगे, हाफ लेमन, खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर जरा भी इसमें गांठे हो तो उसको तोड़ लीजिएगा, अगर आलू मोटा हो तो तोड़ लीजिएगा। टिक्की हम लोग तवे पे बनाएंगे और वड़ा हम लोग फ्राई करेंगे, ठीक है। ये हमारा मिक्स हो गया अच्छे से। तवे पर घी डाला है हमने। अब हम लोग इसके ऊपर टिक्की रोल करके डालते हैं, देखिए, ठीक है। साबूदाना दिए हैं इसलिए अगर इसको टिक्की को थोड़ा ढकेंगे ना तो ये बहुत अच्छी फूल के आएगी। इसको हम लोग ढक देते हैं, धीमे आंच में ये अच्छे सिकेगी। ये देखिए तवे पर सिक रही है टिक्की हमारी। जब तक टिक्की हमारी सिकते हैं हम बड़े बना लेते हैं। इसको हम लोग दूसरे गैस पे शिफ्ट कर देते हैं। फिर हम लोग बड़ा बनाएंगे। इसके लिए इसमें हम लोग तेल डाल देते हैं। अभी इसी बैटर में थोड़ा सा हम लोग इसमें ना कुट्टू का आटा या सिंघाड़े का आटा जो हम लोग व्रत में खाते हैं वो डालेंगे 1 चम्मच, ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाए और ये ना फटे नहीं। एक बार 1 चम्मच डाला है, हम लोग स्टार्ट देख लेंगे टेस्ट करके, अगर लगेगी कि नहीं और लगेगा तब हम लोग और डालेंगे। अच्छे से इसकी बराबर गोलियां बना लेते हैं। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है इसको हाथ में थोड़ा सा घी लेंगे और इसको अच्छे से रोल करेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है। अब इसमें हम बड़े डालते हैं, पहले एक ही डालेंगे। गैस सिंक करेंगे। ये बिखर नहीं रहा है इसलिए अभी हमको इसमें और आटा देने का जरूरत नहीं है। इसको सिम पे पकने देंगे। एक और दे देते साइड में।
हम अपनी टिक्की चेक करते हैं। देखिए कितनी फूल गई है, अब इसको पलट देते हैं। सॉफ्ट है, फिर से इसको ढक देते हैं। ढकने से ये बहुत फूल जाती है, देखिए, और पकने देते हैं इसको, क्रिस्पी होने देते हैं। इसको भी पकने देते हैं। देखिए वड़ा हमारा हो गया है, ठीक है। इसमें हम और दो डाल देते हैं जो हमारे बच्चे हैं। और हमारी टिक्की भी चेक कर लेते हैं, टिक्की भी अभी हमारी होनी बाकी है, अभी हुई नहीं है, अभी और सीखेगी। अभी और सीखना बाकी है, इसको सीखने देते हैं। टिक्की हमारी हो गई है, चलिए अब हम लोग प्लेटिंग करते हैं। वड़ा हमारा देखिए कितना क्रिस्पी हो गया। साबूदाना वड़ा और टिक्की रेडी है। ये हमारी व्रत की थाली।